भगवान को कौन अपने साथ घुमाता है, भगवान से कौन? जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो भागवत कथा सुनते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो गोपाल जी को साथ में ले जाना, गोपाल जी को स्नान कराना, रोज नवीन वस्त्र पहनाना, दुग्ध पिलाना, जो भी अपने को खाना है उससे पहले ठाकुर को भोग लगाना, ये तो जो वैष्णव भक्त है वही ना। पर ऐसा सब तो नहीं करते, सब तो खूब करेंगे, सुबह इलायची दाना चढ़ा देंगे, शाम को इलायची दाना के भोग लगा देंगे, थोड़ा सा और अच्छे भक्त होंगे तो एक गिलास दूध का भोग लगा देंगे, यही ना चार बार। तो फिर वैष्णव भक्त है, भक्त नृत्य प्रियत्र से आपके हृदय में साक्षात भगवान नृत्य का भक्त नृत्य कर रही है, भगवान का वास है, तब तो आप चार बार। नहीं तो पता चले कि किसी घर में फंक्शन पड़ गया, मायके में महाराज विवाह पड़ गया, तो ताला बंद करके जो भक्त चले जाते हैं लेकर के चलते हैं। पर ऐसे कई भक्त होते हैं जो भगवान घर में पड़े हुए हैं और घूमने फिरने चले गए, ऐसा नहीं। भगवान को अपना मान, जैसे आप अपने एक छोटे बालक का सेवा करते हैं, जहाँ जाते हैं उसे ले करके जाते हैं, जितना बार भूख लगे उसे भोजन प्रसाद खिलाते हैं, नहीं मन होता है फिर भी बड़ी आ रही है। इसी प्रकार गोपाल से भी, मेरे लाला से भी लाल लड़ाई। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो तो गोपाल जी से, लड्डू गोपाल जी से अनन्य प्रेम करते हैं। मैं गुजरात में जहाँ कथा करने जाता हूँ, पूरे मरवाड़ी समाज लोग हैं, हर्षोल्लास समाज, वो बिल्कुल विशुद्ध पुष्टीय मार्गीय हैं। और पुष्टीय मार्गीय में पता है गोपाल जी के सिवा वो किसी की कथा भी सुनना नहीं चाहते, किसी का आप शिव चरित्र सुनाने लगो ना तो फिर या तो मोबाइल चलाने लगेंगे या तो फिर माताएं स्वेटर बिनने लगेंगी। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं गोपाल जी के चरणों में उनकी जो अनन्य प्रीत है मैं उसका बखान कर रहा हूँ, उसका गुणगान कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे।